इनकी रिपोर्ट लेकर आओ। लाओ। इनकी रिपोर्टें बता रही हैं इनकी पैरों की नसें ब्लॉक हो चुकी है, ये इसलिए चल नहीं सकते। इनके सिर में भी चोट है, ऑपरेशन की संभावना है। मैं कुछ दवाइयां और तेल लिख के दे रहा हूँ, इन्हें मंगा लेना। ये तेल लिख के दे रहा हूँ, इनकी मालिश करते रहना, कुछ समय लगेगा ये ठीक हो जाएंगे। लो, इनको दवाई समय से देते रहना। कुछ नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? मुझे तो पता है, तभी तो मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। तुम्हें यहाँ मजाक की पड़ी हुई है, मेरा यहाँ दिमाग खराब है। ऐसी क्या बात है जो दिमाग खराब है? घर के सारे काम करने पड़ते हैं, ऊपर से उनका काम करना पड़ता है, और डॉक्टर ने और बोल दिया है उनको 3-4 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मैं ना, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, मैं थक गई हूँ यार। तो आ जाओ ना मेरे पास। हम नहीं जानते ये समाज कैसा है, कैसे घर वाले हैं। ले चलूंगा कहीं दूर, जहाँ ना तुम्हारा पति होगा ना ये समाज। और तुम ये समाज की टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना, आ जाओ। ठीक है, आती हूँ। क्या हो गया शिल्पी? समय से दवाई खा लेना। ओ, क्या क्या है? मुझसे नहीं हो रही तुम्हारी सेवा, पता नहीं कब उठ पाओगे इस बेड से। लेकिन बात क्या होगी शिल्पी, जरा बताओगी? सच्ची बात तो ये है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कहीं भी चली जाऊंगी, पर इस घर में मैं नहीं रह सकती। लेकिन जा कहाँ रही हो? मैं जा रही हूँ, बाय। कहाँ जा रही हो शिल्पी? शिल्पी, शिल्पी मुझे छोड़ के मत जाओ।
हेलो बॉस, लड़की आने वाली है। हाँ वो मुझे पता है कहाँ लाना है। माल एक नंबर का है बॉस, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, बस मेरा ख्याल रखना। तुमको तो पता ही है, अपना तो बस यही काम है, लड़कियों को फंसाना और बेचना, इसी से अपना पेट पलता है। फोन रख रहा हूँ बॉस, लड़की आ गई। अब आई हो तुम, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। तुम्हें इंतजार की पड़ी है, पता है मैं कैसे कैसे आई हूँ। चलो जल्दी, नहीं तो कोई देख लेगा। हेलो, हाँ सूरज बोलो। कैसा है? ठीक हूँ, अब वो परेशानी तो है ही, तुम्हें पता है। और भाभी कैसे हैं? भाभी अब ठीक थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उन्हें। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ नाराज सी लग रही थी, और अभी मुझसे कह के गई है कि पता नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। क्या, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों? पता नहीं, मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं, पता नहीं यार कहाँ गई है, पर मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस नहीं आएगी। कोई बात नहीं, काम कर। क्या? सब कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। ठीक। कितना माल चाहिए और कितना पैसा लेकर आया है? पूरा पैसा है। चिकारा, माल लेकर आ। लो बॉस, माल एक नंबर है। ले जाओ और फैला दो सारे इलाके में। अरे कहाँ चली, तेरा ही तो भाव लगाया है। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। देखा मेरी चॉइस? ले, जितना मांगा था उससे कई गुना ज्यादा है, चेक कर ले। नहीं बॉस, भरोसा है। देख क्या रहा है, मार से। ए, छोड़ शिल्पी को, मेरा निशाना तेरी खोपड़ी पर है, छोड़ दो शिल्पी को, छोड़। शिल्पी तुम घर जाओ। जाओ, तुम उसको पकड़ो। ए, हलचल नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। ना हीरो ना, मेरा पीछा मत करना,
नहीं तो उस लड़की को मार दूंगा मैं। तेरे लिए बंदूक की गोली की क्या जरूरत? अब तो तू अपुन को माला माल कर जाएगी। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे माफी क्यों मांगती हो? माफी मांगो अपने पति से, जिससे ऐसी हालत में तुम छोड़ के चली आई। अब घर जाओ। मैं घर कैसे जाऊंगी भैया, ये सब होने के बाद मैं घर नहीं जा सकती। तो फिर कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी, पर मैं घर नहीं जाऊंगी। देखो तुम घर जाओ, उससे कुछ मत कहना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। ठीक है भैया। ठीक है। अरे शिल्पी तुम आ गई, क्या हुआ कुछ तो बोलो। अरे शिल्पी बोलोगी क्या हुआ बताओ, फालतू में रो रही हो, क्या हुआ? हेलो। हाँ सूरज, भाभी घर पे आ गई। तूने सच ही कहा था तेरी भाभी घर पर आ गई? मैंने कहा था ना, तू तो बेवजह टेंशन ले रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों रो रही है। अरे कुछ नहीं यार, बस तेरी ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही, तो इसलिए अपनी किस्मत पर रो रही थी। मैंने उन्हें समझा दिया है, अब कोई बात नहीं होगी, और तू भी उन्हें समझा देना। ठीक है? ठीक। इतनी सी बात है और तू रो रही है? कोई बात नहीं।